गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आर चैप्टर नंबर 4 भीम एंड द बफलो इज गोइंग ऑन एंड आई वॉज टेलिंग यू स्टोरी ऑफ भीम एंड द बफलो. सो वी वर हियर दैट भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बैगर एंड ही गेव ऑल द फूड टू द बैगर. बट वेन ही वॉज गोइंग टू द बैग होम देन ही वॉज नॉट हैविंग एनी पैसा और ही वॉज वेरी हंग्री एंड टायर्ड. भीम्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर नॉट अनहैप्पी. दे वर नॉट अनहैप्पी बिकॉज हिज फादर इज नॉट हैविंग मनी विद हिम फॉर लॉसिंग द बफलो एंड मेकिंग नो मनी. सो हिज वाइफ सैड यू हैव डन द राइट थिंग. वॉट ही हैज़ डन राइट. वन मस्ट नेवर टर्न्स अ हंग्री मैन अवे. इट मीन्स इफ समवन इज कमिंग टू अस फॉर हेल्प वी शुड नॉट लीव दैम, वी शुड हेल्प दैम. ओके, बिकॉज वन बैगर केम टू भीम, ही वॉज हंग्री, देन ही भीम गेव हिज फूड टू द हंग्री मैन. सो हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ वॉज हैप्पी टू डू दिस गुड वर्क फॉर हिज goodness. So the family went to bed after dinner. When they woke up the next morning, they was amazed at what they saw. What they saw? There stood in front of Bhim's house a line of animals. What they saw in the morning? When they woke up, what they saw? They saw in front of Bhim's house line of animal. A young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat, and a hen. There was also a bag of gold coin. Means these animals were there in front of Bhim's house and with these animal one bag also was there with full of gold coin. After a few moments of surprise, because it was surprised moment, hai na, they saw these animals and that gold coins, so they realized what had happened. Bhim's wife said, I am sure the beggar you met was God in disguise. Means जब आपको वो बैगर मिला था रास्ते में, देन ही वॉज नॉट अ रियल बैगर, ही वॉज अ गॉड हु चेंज्ड हिज अपीरियंस. मतलब जो भेष बदल कर आया, हु चेंज्ड हिज अपीरियंस, ही वॉज गॉड एंड ऑल दिस इज हिज रिवॉर्ड फॉर योर काइंडनेस. और उसकी वाइफ ने बोला कि भीम, ये आपकी काइंडनेस और गुड बिहेवियर की वजह से गॉड ने आपको गिफ्ट दिया है. सो भीम्स फैमिली हैड नो मोर वरीज एंड दे लिव्ड हैप्पीली. ओके, क्लियर? सो दे वर लिविंग हैप्पीली. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ वी विल डू गुड विद अदर्स देन गुडनेस विल कम टू अस. Okay, so what is the moral of the story? God always gives the fruit of goodness. Okay, so thank you. Have a nice day.